अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राणा। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और तहरीक इंसाफ की सिंध के अरकान ने असम्बली से वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान कोरोना के हवाले से इकदाम का जायजा लेंगे। सिंध से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और सरदकारों से मुलाकात करेंगे। लाड़काना में एहसास सेंटर का दौरा भी करेंगे। सी पैक के दूसरे मरहले पर काम भरपूर तरीके से जारी है। चंद गुमराहकुन अनासर भी सी पैक मंसूबों में सुस्त रवि का गलत तासीर दे रहे हैं। 17 अरब 20 करोड़ डॉलर के ML1 मंसूबे पर काम जारी। 3.5 अरब डॉलर के पन बिजली के मंसूबों पर भी काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। चेयरमैन सी पैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजपा का ट्वीट। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। 24 घंटे के दौरान 5,839 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 136 अफराद जान के बाजी हार गए। मुतासरीन की तादाद 1,54,707 तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर 2,975 अमवात, 58,437 तहतिया। बरतानिया में डेक्सा मेथाजोन से नतायज मत बताए हैं। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस के अमवात में कमी वाकई होगी। डेक्सा मेथाजोन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। पाकिस्तान में माहरीन की कमेटी डेक्सा मेथाजोन के इस्तेमाल पर गौर करेगी। WHO ने कोरोना के इलाज में इसे अहम पेशकश करार दिया और कोरोना मरीजों के लिए खुशाइन कहा है। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट। कोरोना खतरे के पेश नजर इस्लामाबाद के सेक्टर IA3, 4 और IA10, 1, 2 सेक्टर बशमूल मराकज को रात 12 बजे से सील करने का नोटिफिकेशन जारी। पॉवर्सी एशियाई फोरनोर शंगामी और बुनियादी खदमात के शोबे खुले रहेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया की शहरियों से राशन और अद्वियात का मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इकदाम। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कुचलावाला, सियालकोट, गुजरात, डीसी खान और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके 2 हफ्ते के लिए सील। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती सामान की 8वीं खेप की तफसील जारी। 8वीं खेप में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अस्पतालों को सामान इरसाल किया गया है। सामान में 3,06,000 मुख्तलिफ इस्तेमाल के मेडिकल और फेस मास्क, हिफाजती सूट, सर्जिकल गाउन, 15,000 हिफाजती कैप्स और दीगर तिब्बी आलात शामिल है। तर्जमान NDM। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 82,56,000 से तजावज कर गई। हलाकतों की तादाद 4,45,000 से ज्यादा हो गई। 45,00,000 से ज्यादा सेहत याब। अमेरिका में 22,07,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,19,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। हलाकतों के एतबार से ब्राजील ने बरतानिया को पीछे छोड़ दिया। 45,000 से जायद अफराद हलाक। भारत और चीन के माबेन कई दहाइयों के बाद खूनी तसादम की सूरत हाल पैदा हुई है। इस सूरत हाल की वजह भारतीय हुकूमत की हिंदुत्वा सोच है। पाकिस्तान खिते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहा है। पाकिस्तान भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी काम को मुस्तरद कर चुका है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत। भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने मुबैना तौर पर मकबूजा कश्मीर के पठानकोट फौजी अड्डे का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया। सुबह पंजाब को करप्शन फ्री बनाने के लिए इकदाम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार की हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन इन एक्शन। सरकारी अराजे पर काबिज अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई। 6 माह के दौरान 1,40,00,000 रुपए मालियत की तकरीबन 1,400 किनाल अराजी बागुजार करवा ली। पंजाब में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी।
करप्शन के नासूर का खात्मा हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, वजीर आला पंजाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जदीद और मुनसिम तरीन सियासी इदारा बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पीटीआई विफाकी सतह पर अपना विफाकी इलेक्शन कमीशन कायम करने वाली पहली जमात बन गई। सीनियर रहनुमा जमाल अकबर अंसारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला खान न्यासी ने तकर्री का बासाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और जर्मन फुटबॉल लीग में बायर्न म्यूनिख का कामयाबी से अपने एजाज का दिफा, मुसलसल आठवीं मरतबा टाइटल अपने नाम करने में कामयाब। वुडस्ट्रेवन के खिलाफ कामयाबी के बाद पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद। बोरुसिया डॉर्टमुंड पर 10 पॉइंट की नाकाबिले तस्वीर बरकरी हासिल। बंद दरवाजों के पीछे शायकीन के बगैर खेले जा रहे मैच सिटी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तीन साल
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोना आलम, वेलकम टू बदलती राय। नाजरीन, आज वैसे हज़्ब मामूल जिस तरह से हम मौजूदात पर अपनी जो एक बहस है और मुबाहसा है और अरा है वो शामिल गुफ्तगू करते हैं, तो आज बाकायदा सबसे पहला आगाज यकीनन क्योंकि हज़्ब मामूल आज ट्यूसडे का दिन है, तो ट्यूसडे को मंगल के रोज जैसे हम देखते हैं कि वफाकी काबीना का इजलास होता है, तो उसी तरह से आज भी वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने इसकी सदारत की कराची रवाना होने से बस कुछ ही देर पहले, जिसमें उनकी पूरी टीम, उनकी काबीना उनके हमरा थी और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। कंप्लीट लॉकडाउन किसी तरह से किसी मसले का हल नहीं है, अभी भी यही बात की जा रही है। तकरीबन कोई 20 शहर नाजरीन आइडेंटिफाई अब कर लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिनके ऊपर सिलेक्टिव लॉकडाउन, जो कि एक नई हमारी स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली हम कह सकते हैं, वो नाफिज की जाएगी। और सिलेक्टिव लॉकडाउन के तहत जो बढ़ती हुई अलमनाक सूरत हाल है, कोविड की टैली है, उसको काबू करने की या उसको अरेस्ट करने की कोशिश होगी। साथ साथ एसओपीज के हवाले से भी नाजरीन, क्योंकि इस पूरी मीटिंग के बाद से जनाब शिबली फराज वजीर इत्तलात और नशरियात वो आए, उन्होंने बाकायदा बताया, तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि एसओपीज की शदीद खिलाफवर्जी हमें ईद के दौरान नजर आई और इसमें कोई शकूक व शुभात भी नहीं है, क्योंकि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, क्या रेलवेज हो, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, हर चीज ही क्योंकि ईद के मौके और ईद से कुछ रोज कबल तक खुली हुई थी, और उसमें एसओपीज की जो एक धज्जियां उड़ती हुई देखी है, ये कहना गलत नहीं होगा, उसकी वीडियोस, उसकी फुटेजेस हर जगह ही तकरीबन वायरल हैं, तो इसको बेसिकली असल एक फैक्टर माना जा रहा है इस वक्त की बढ़ती हुई कोविड टैली में, जो कि इस वक्त यकीनन खतरनाक तौर पर बढ़ रही है। तो आज हम बात ये करेंगे कि क्या ये जो अब अवाम के ऊपर एक बात की जा रही है कि अवाम ने क्योंकि एसओपीज को पूरा अबाइड नहीं किया या कंप्लाई नहीं किया, तो इस वजह से ये कोविड टैली में इजाफा सामने आ रहा है, ये कितनी हद तक बात दुरुस्त है? और ये जो जिम्मेदारी अवाम पर आयद की जा रही है, क्या ये वाकई अवाम की जिम्मेदारी है या फिर हुकूमत की तरफ से भी या फिर जो हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर कोई चीज है जो कि नहीं की गई है या कोई ना कोई वहां पर गफलत हुई है? तो ये भी बात दोनों उमूर पे आज हम पहले सवाल के तहत इसको रेलिवेंटली हाईलाइट करेंगे। फिर इसी इजलास के बाद नाजरीन, जैसे वजीर आजम इमरान खान अब कराची पहुंच चुके हैं और ये दो रोजा जनाब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा सिंध होगा, अभी इस वक्त तो वो कराची पहुंचे हैं, फिर उसके बाद लाड़काना में भी वो जाएंगे और पहले जिसको बेनजीर इनकम सपोर्ट कहते थे या फिर एहसास प्रोग्राम, दोनों वन एंड द सेम थिंग, इसके तहत एहसास सेंटर का भी वो दौरा करेंगे। खास तौर पर लाड़काना उनका जाना रहेगा, जो कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, एक तरह से जो लाड़काना है, शहर लाड़काना, तो वो उनका एक गढ़ भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कह सकते हैं कि एपिसेंटर है लाड़काना, तो वहां पर जाकर भी एक इंटरेस्टिंग जो पॉलिटिकल या सियासी तौर पर एक जो हालात और वाकयात हैं या सिनेरियोज हैं वो भी देखने में आएंगे। वजीर आजम इमरान खान की चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब मुराद अली शाह से भी मुलाकात मुतवक्के है, फिलहाल इस हवाले से कोई फिक्स शेड्यूल सामने नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेडली जो बात इस वक्त गर्दिश कर रही थी वो यही थी कि होगी। तो नाजरीन, इस हवाले पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत सिंध की तरफ से जितनी शिकायत, क्योंकि शिकायत तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, वफाक की जानिब जो बढ़ाई जाती हैं उनमें कितना वेटेज है, क्या वो सिर्फ सियासी नौयत की शिकायत हैं या फिर वाकई हकीकी मायनों में भी उन शिकायत में वजन है? यकीनन कुछ में होगा, कुछ में हो सकता है उतना वजन ना हो या उतनी लेजिटिमेसी ना हो, दोनों एतबार से हम बात करेंगे। और तीसरे मौजू के तहत हम लोग बड़ा जरूरी इस वक्त ये जो इस वक्त भारत की एक सूरत हाल चल रही है और अब एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ नाजरीन भारत और पाकिस्तान के दरमियान मजीद गहरा होता जा रहा है, एग्रीवेट होता जा रहा है, इसकी शुरुआत यकीनन भारत ने ही एज ऑलवेज की थी, लेकिन पाकिस्तान में भी जो भारतीय हाई कमीशन के लोग थे वो पाए गए थे कि उन्होंने एक शख्स को अपनी गाड़ी से जख्मी किया था, गाड़ी की टक्कर से जख्मी किया था, फिर उन्होंने वहां से राह फरार अख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने फिर उनको वहां पर जो मौजूद थे जाए वकुआ पर उन्होंने उनको पकड़ लिया था। इस वक्त वो जो दो भारतीय हाई कमीशन के अहलकार हैं वो अंडर कस्टडी हैं, उसी का एक टिट फॉर टैट भारत भी करना चाह रहा है और इस किस्म की कोई भारत ने एक कोई ऐसा लगता है मालूम होता है कि इसके टिट फॉर टैट में कोई एक ड्रामा स्टेज किया है जहां पर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहां के लोगों को, वहां के अहलकारों को इस वक्त तंग किया जा रहा है, और ऐसे कोई पहला वाकया ये सामने नहीं आया है, बल्कि इस पर्टिकुलर वाकये से पहले भी हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि भारत ने इसी किस्म की एक चीज की थी जब पाकिस्तानी हाई कमीशन के दो या तीन लोगों को उन्होंने बाकायदा डिपोर्ट किया था और ये कहकर किया था कि उन पे वो लोग एस्पियनाज का शक डाल रहे हैं। क्या नाजरीन, जो भारत की एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट या
ناظرین انتہائی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. پاکستان کے نامور صداکار اداکار شاعر اور ٹی وی میزبان طارق عزیز جو اب ہم میں نہیں رہے وہ وفات پا گئے ہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں طارق عزیز جو کہ پاکستان کے نامور صداکار رہے, اداکاری بھی انہوں نے کی, شاعری بھی کی اور ٹی وی میں میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیے. وہ اب ہم میں نہیں رہے اور وہ وفات پا گئے ہیں. 28 اپریل 1936 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے اور انہوں نے فن کی دنیا میں بہت نام کمایا. طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق جالندھر کے آرائی گھرانے سے تھا. ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستان میں 1947 میں جب پاکستان ہجرت کر کے آئے تو اس کے بعد ہی انہوں نے اپنا بچپن جس گھرانے میں گزارا وہ ایک ادبی گھرانہ تھا. اور طارق عزیز کی اگر شخصیت کی بات کی جائے ایک بہت بڑا سرمایہ تھے وہ, لیکن اب وہ ہم میں نہیں رہے. طارق عزیز ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرامز کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی اور ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی جو کہ 1967 میں آئی تھی. اس کے علاوہ دیگر مشہور فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا اور ان کی فنی خدمات پر انہیں بہت سارے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. ہمارے نمائندے شاہد وفا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید اس خبر کے بارے میں تفصیلات جانیں گے. جی شاہد وفا بتائیے گا آپ کے پاس مزید کیا تفصیلات ہیں. جی یہ افسوسناک خبر جو ہے, یہ واقعہ آج اب سے کچھ دیر قبل ہی پیش آیا. طارق عزیز جو ہیں وہ انتقال کر گئے. وہ ان کی جو زندگی کے حوالے سے کچھ تفصیلات جو ہیں, وہ 1936 میں جلندھر میں پیدا ہوئے اور اس حوالے سے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے جو بانی اراکین تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا اور وہ پی ٹی وی کے سب سے پہلے اناؤنسر تھے. اس کے بعد ان کا جو فنی سفر ہے وہ بہت ایک طویل سفر ہے جس میں نیلام گھر شو جو پی ٹی وی کا ایک اہم شو ہے رہا ہے, اس کی جو کمپیئر کے طور پر انہوں نے اپنی شہرت بنائی. اس کے علاوہ انہوں نے جیسا آپ نے بتایا کہ فلموں میں بھی کام کیا اور جو بڑے مشہور اداکار تھے وحید مراد اور زیبا ان کے ساتھ جو ہے ان کی جوڑی فلموں میں اس میں انہوں نے شہرت پائی. اس کے علاوہ ان کا ایک سیاسی کیریئر بھی تھا. انہوں نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑا اور ارا کے رکن قومی اسمبلی کے طور پر بھی 1996 میں وہ منتخب ہوئے تھے. جو ان کے فنی سفر کے حوالے سے ایک اہم بات یہ تھی کہ انہیں بہت سی ریکگنیشنز اور ایوارڈز ملے, جس میں سب سے اعلیٰ ایوارڈ ان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ملا, یہ بھی انہیں 1992 میں ملا. یہ ان کے ایک طویل فنی سفر کی ایک مختصر جھلکی ہے. اس حوالے سے ان کی ایک جو فنی حلقوں میں اور اس کے علاوہ تعلیمی حلقوں میں بھی ان کا جو ایک مخصوص انداز تھا الفاظ کی ادائیگی کا, اردو کے تلفظ کا, اس کے حوالے سے وہ جانے جاتے تھے. اور ان کی ایک شخصیت جو تھی وہ ایک استاد کی حیثیت رکھتی تھی, نہ صرف جو فنکار تھے ان کے لیے بلکہ طلبہ کے لیے, جو تاریخ کے طالب علم تھے ان کے لیے. اور خاص طور پر ان کی جو اپنے پروگرام اپنے شو جو نیلام گھر اور جو طارق عزیز شو کے نام سے بعد میں پیش کیا جاتا رہا, اس میں جو مختلف شعروں کی جو ادائیگی اشعار کی ادائیگی جو وہ کیا کرتے تھے اس حوالے سے بھی ان کی خاصی شہرت رہی ہے. یہ ان کی وفات جو ہے وہ تقریباً اب سے جو یہ آدھ گھنٹہ قبل ہوئی ہے یہ ہمیں کنفرم کیا گیا ہے, اور آج صبح تک ان کی طبیعت بالکل بحال تھی. اس حوالے سے کوئی ایسی ان کی علالت کی کوئی جو ہے وہ خبر نہیں تھی, وہ علیل نہیں تھے, گھر پر ہی تھے اور انہوں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد آج سے آدھا گھنٹہ قبل اچانک جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. جی ٹھیک ہے شاہد وفا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے مزید بھی جانیں گے. ایک بار پھر سے اس افسوسناک خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. ناظرین معروف کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں اور وہ پاکستان کے نامور صداکار رہے. انہوں نے اداکاری بھی کی, شاعری بھی کی اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا اعزاز ان کے حصے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا. اور جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز نے سب سے پہلے پی ٹی وی پر کمپیئرنگ کی. وہ سب سے پہلے اناؤنسر رہے پی ٹی وی کے اور پھر 1975 میں جو انہوں نے اپنا پروگرام شروع کیا سٹیج شو نیلام گھر, اس شو سے بھی انہیں بہت
पसंदीदगी मिली आवाम की तरफ से, उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर इस प्रोग्राम ने पहुंचा दिया और ये प्रोग्राम कई साल तक जारी रहा और बाद में इसे बस्मे तारिक नाम शो दे दिया गया था। तारिक अजीज की शख्सियत के हवाले से जिस तरह से हमारे नुमाइंदे शाहिद पापा भी बता रहे थे कि वो एक उस्ताद की हैसियत रखते थे, वो एक एकेडमी का दर्जा रखते थे, उनकी जो शख्सियत थी वो हमा जहत शख्सियत थी। उन्होंने रेडियो टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, फिल्मों में भी अदाकारी के उन्होंने जौहर दिखाया और उनकी जो सबसे पहली फिल्म थी वो 1967 में आई थी और उसके बाद उनकी जो दीगर मशहूर फिल्म हैं उनमें सालगिरह और इसके अलावा वक्त की कटारी, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, हार गया इंसान जैसी फिल्में काबिल अमल हैं। तारिक अजीज आज हमें नहीं रहे लेकिन उन्होंने जो काम किया वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और उनकी फनी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी फनी खिदमात पर बहुत से अवार्ड्स भी उन्हें मिल चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी तारिक अजीज साहब को नवाजा गया था और तारिक अजीज ने सियासत में भी हिस्सा लिया, उन्होंने सियासी सरगर्मियों का सिलसिला भी कुछ देर जारी रखा और 1997 में वो कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए थे। इसके अलावा अगर उनकी शख्सियत के हवाले से ही मजीद बात की जाए तो उन्हें मताले का बहुत शौक रहा, ये उनके दोस्त अहबाब अक्सर कहा करते थे और उनके मकालमों का एक मजमुआ रहा जिसका नाम दास्तान था और इसमें वो उर्दू और पंजाबी का मजमुआ कलाम पेश करते थे। उन्होंने ना सिर्फ उर्दू बल्कि अपनी मादरी जुबान पंजाबी में भी शायरी की और बेशतर उनकी जो नज़्में और गज़लें हैं वो बहुत मकबूल हुई और इसके अलावा नासिन आपको बताएं कि वो उनके हिस्से में जो सबसे बड़ा एजाज था वो ये था कि पीटीवी के बानी अराकीन में वो थे नीलाम घर के नाम से। जब उन्होंने अपने प्रोग्राम का आगाज किया तो इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया गया नासिन की जानिब से और नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया तो तारिक अजीज पीटीवी के सबसे पहले अनाउंसर थे। नासिन पीटीवी से जो पहली आवाज नशर की गई थी, अनाउंस की गई थी, वो तारिक अजीज की थी। उनके क्या अल्फाज थे, उनका क्या कहना था, हम आपको सुनवाएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की नहरात आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नासिन, ये जो हमने आपको इस वक्त एक क्लिप सुनवाया है ये वो तारीखी लम्हात थे जब पीटीवी से पहली नशरियात का आगाज किया गया था और ये एजाज हासिल हुआ था तारिक अजीज को, जो कि पीटीवी के बानी अराकीन में जिनका शुमार होता है और सबसे पहली जो कंपेयरिंग की थी 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन के आगाज के साथ ही वो हमने आपको सुनवाई। कुछ लम्हात आपके साथ हमने शेयर किए और इसके बाद काम का एक ऐसा सिलसिला चल निकला जिसको हमेशा से सराहा गया। अपने काम के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो हमेशा जिद्दत लेकर आने के हामी रहे। अपने प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर बात की जिस पर कभी पाकिस्तान में पहले बात नहीं की गई थी और जो एक अंदाज उन्होंने मुतारिफ करवाया अपने प्रोग्राम का जिसका नाम था नीलाम घर और ये प्रोग्राम पीटीवी से नशर किया जाता था, इसको मद्दाहों ने बहुत सराहा और बहुत ऑडियंस थी उनकी। ये प्रोग्राम जो है वो चार दहाइयों से ज्यादा अरसे तक स्क्रीन की जीनत बना रहा और इसको इसकी पसंदीदगी में कभी भी कमी नहीं आई और ये प्रोग्राम इसी तरह से जारी रहा। फिर इसके बाद इसे बस्मे तारिक अजीज शो का नाम दे दिया गया था लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया 1975 में
तो उस वक्त इस प्रोग्राम का नाम नीलाम घर रखा गया था और इसी प्रोग्राम ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। और नीलाम घर ने कंपेयरिंग और होस्टिंग का एक नया अंदाज भी मुतारिफ करवाया गया, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो थे वो शुरू किए गए और ये प्रोग्राम चार दहाइयों से ज्यादा अरसे तक टीवी स्क्रीन की जीनत बना रहा। इस प्रोग्राम को बेतहाशा लोगों ने, बेशुमार लोगों ने पसंद किया। तारिक असीर जो कि अब हमें नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं, उनकी शख्सियत एक हमा जहद शख्सियत थी। वो एक उस्ताद का दर्जा रखते थे, एक एकेडमी का दर्जा रखते थे। उन्होंने रेडियो और टीवी के प्रोग्राम्स के अलावा फिल्मों में भी अदाकारी की। और अगर उनकी शख्सियत की बात की जाए एक कंपेयर के लिहाज से, तो उनके अल्फाज का चुनाव, उनका बात करने का अंदाज, उनका अपनी बात को कहने का जो एक अंदाज और एक धीमा शाइस्ता लहजा, वो उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उनकी फनी खिदमात पर बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से उन्हें नवाजा गया तारिक अजीज ने। इसके बाद सियासत में भी कुछ देर उन्होंने अपना कदम रखा, सियासत में हिस्सा लिया और वो एक बार 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान के नामवर सदाकार, अदाकार, टीवी मेजबान, शायर, पीटीवी के बानी अराकीन तारिक अजीज जो कि हमें नहीं रहे, मारूफ कंपेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। और उनकी अलालत के हवाले से कोई खास खबरें नहीं थी, वो अपने घर पर थे, लेकिन आज ये अफसोसनाक खबर कुछ देर पहले मौसूल हुई। पाकिस्तान के मारूफ कंपेयर और पीटीवी के बानी अराकीन में शामिल होने वाले तारिक अजीज अब हमें नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो अपनी फनी खिदमात पेश की, उन्होंने जो काम भी किया उसको अमर कर दिया, वो हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगा। तारिक अजीज ने 28 अप्रैल 1936 को जालंधर में एक बरतानवी हिंदुस्तान के घराने में उन्होंने आंख खोली और वहीं से उनका ताल्लुक था। लेकिन उनके वालिद, जिनका नाम मियां अब्दुल अजीज था, वो 1947 में जब पाकिस्तान हिजरत करके आए तो इसके साथ ही उन्होंने अपना बचपन जो था वो साहिवाल में गुजारा। और नासिर, इसी अफसोसनाक खबर पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान टेलीविजन की पहली अनाउंसर कंवल नसीर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कंवल नसीर साहिबा आपके वक्त का। अफसोसनाक खबर कुछ देर पहले मौसूल हुई है, मारूफ कंपेयर और पीटीवी के बानी अराकीन तारिक अजीज जो कि अब हमें नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं। बहैसियत इंसान आपने उनकी शख्सियत को कैसा पाया और उनके जाने से जो एक खला आया है क्या वो कभी पूर हो पाएगा? आप मुझसे तारीख का पूछ रही हैं। एक शख्स, एक लड़का जिससे मैं रेडियो के बच्चों से, मेरी वालदा रेडियो में थी, अल्टी पिंडी रेडियो पे थी, जिससे मेरा ताल्लुक है। और टीटीवी के तो फर्स्ट इब्तदा के दिन, पहला दिन जो टीटीवी देखने हम गए थे, जब हमने भी ज्वाइन नहीं किया था पहले रोज, तो तारिक ही मुझे और मेरी वालदा को देखे गए थे कि आप आके देखें तो सही है, स्टूडियो के रेडियो के हाथे में। वो एक दोस्त ही नहीं, मेरा कॉलीग है बचपन सरस का। मैंने देर तहा प्रोग्राम इकट्ठे किए स्टेज पर, 6 सितंबर के पाकिस्तान डे के। और मैं इच्छा को, मेरे साथ उसके फैमिली रिलेशनशिप में थे, मेरे बच्चों की शादियां, मेरे घर वालों की खैर खबर। और हजरा इतनी अच्छी इंसान है कि वो हमेशा आई, उन्होंने साथ दिया। लेकिन तारिक का मेरा एक रिश्ता सिर्फ रेडियो टीवी से अलावा इंसानियत का, दोस्ती का रिश्ता बहुत स्ट्रांग था। हम अपनी बात उस वक्त खतों के जवाब होते थे, हम वो प्रोग्राम भी इकट्ठे करते थे हफ्ते में एक बार पीटीवी लाहौर से, जिसके बाद कभी किले में प्रोग्राम हो रहा है, कभी 6 सितंबर का प्रोग्राम हो रहा है। तो वो उसको मुझे शेर ना समझ में आते थे उस बारे में, मुझे आपकी शायरी मैं क्या बताऊँ आपको, बस वो नहीं है तो मेरे लिए उस वक्त आई डोंट नो मैं आपसे भी कैसे बात करती। मैं उसके लिए हमेशा दुआ को हमेशा उसका खैर रखता हूँ और वो हमेशा रहेगा हमारे साथ, प्रोग्राम हमारे पास है, की आवाज हमारे साथ है। और जी, मैंने तो एक दोस्त भी खोया, मेरे लिए तो बहुत बहुत सब बात है।
और पृथ्वी के लिए जितना काम किया है उसका हम उधार नहीं उतारते, उसने बोलने का अंदाज़ सब कुछ। और बस एक मजमुआ था, एक अच्छे इंसान। थैंक यू। बिल्कुल कमल नसीर साहिबा, अब नासिर हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की पहली अनाउंसर कमल नसीर साहिबा, जो कि अपना उनके साथ गुजारा हुआ वक्त हमसे और हमारे नासिर के साथ शेयर कर रही थी, और वो इस दौरान कुछ आपदीदा भी हो गईं, और उनका ये कहना था कि वो एक उस्ताद की हैसियत रखते थे, एक बहुत नर्म दिल और हमदर्द इंसान नवाज शख्सियत के मालिक थे, और इसके अलावा उन्होंने जो काम किया वो तादेर याद रखा जाएगा। उनकी फनी खिदमात को बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1992 में हुस्ने कारकर्दगी के तमगे से तारिक अजीज को नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने तस्नीफात भी उनकी बहुत मकबूल हैं, बहुत पसंद की गई, उन्होंने शायरी भी की उर्दू के अलावा, अपनी मादरी जुबान पंजाबी में भी उन्होंने शायरी की, और इसके अलावा जब भी उन पर तनकीद की गई नाकिरीन की जानिब से, तो उन्होंने इस तनकीद को इस पॉजिटिव अंदाज से लिया कि उन्होंने उस तनकीद से भी मस्बत पहलू निकाले, और बारहा वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने ऊपर होने वाली तनकीद को बहुत ही एक मस्बत पहलू से लेकर बात करते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया, जिसका नाम अभी कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया, बस में तारिक अजीज, और इसके अलावा नीलाम घर, जिसका पहला नाम नीलाम घर था, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ी थी, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बासुकात जब आने में ताखीर हो जाती थी तो तारिक अजीज देखने वालों को अपनी ऐसी बातों में मसरूफ कर लेते थे इस प्रोग्राम में, जब कभी मेहमानों को आने में ताखीर का सामना करना पड़ता था, तो चूंकि ये लाइव शो होता था तो वो कहते थे कि बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसमें ये वो किया करते थे कि अपने नासरीन, अपने ऑडियंस को वो बातों में मसरूफ कर लेते थे ताकि किसी को महसूस ना हो। जनाब बारी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों, आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। नासिन, आपने ये मुलाहिजा किया, कुछ वो लम्हात हमने आपके साथ शेयर किए हैं नीलाम घर प्रोग्राम के, जिसमें जिस अंदाज से वो अपने प्रोग्राम का आगाज किया करते थे, और इस आगाज को भी बेहद सराहा जाता था, और बहुत बड़ी एक ऑडियंस थी इस प्रोग्राम की, जो कि इस प्रोग्राम देखने के लिए बेताब होती थी कि हफ्ते के किस दिन नीलाम घर लगेगा और वो इस प्रोग्राम को देखेंगी, और लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए भी बहुत इंतजार करते थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी उनके प्रोग्राम में किसी मेहमान को आने में ताखीर हो जाती थी तो वो इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते थे कि अपने ही ऑडियंस को अपनी बातों में या अपनी शायरी के जरिए इतना मसरूफ कर लेते कि उनको एहसास ना होता कि ये क्या कोई मसला है या कोई ताखीरी हुई है। और एक जो खास उनका अंदाज था, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम, इस अंदाज को भी बेहद सराहा गया। और तारिक अजीज की अगर बात की जाए उनकी शख्सियत के हवाले से, तो वो एक उस्ताद की हैसियत रखते थे और अपने तनकीद करने वालों को भी वो प्यार और मोहब्बत से ही मुखातिब करते थे, और कंपेयरिंग का जो एक स्टाइल उन्होंने मुतारिफ करवाया, उसके बाद हमने देखा कि इसी तर्ज पर बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू किए गए, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इस तर्ज पर अब भी किए जाते हैं। और इसके अलावा नीलाम घर, जिसको कभी नहीं भूला जा सकता, आज भी अगर इसके एपिसोड्स निकाल कर देखे जाएं तो वो इंसान देखने में उसको बहुत इतना महव हो जाता है कि वक्त का शायद अंदाजा ही नहीं रहता। क्या अंदाज था नीलाम घर में जब वो इंट्रो दिया करते थे, वो एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे। इब्तिदा है कदीमों कायम कयूम, जनाब बारी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों, आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। नासिन, ये वो एक खास अंदाज था जिसको सुनने के लिए
ناظرین بہت بےتابی سے ہفتے کے اس دن کا انتظار کرتے تھے جب پی ٹی وی سے یہ پروگرام پیش کیا جاتا تھا اور اس کا نشر مقرر بھی اتنی ہی بےتابی سے دیکھا جاتا تھا ناظرین کی جانب سے نیلام گھر. اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 1975 میں یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا اور اس پروگرام کو بہت پسند کیا گیا. یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور بعد میں اس پروگرام کا نام تبدیل کیا گیا تھا, اس کا نام بزم طارق عزیز شو رکھ دیا گیا تھا. ایک حصہ پروگرام کا ہم نے آپ کے لیے مرتب کیا ہے, وہ آپ کو دکھائیں گے. یہ بتائیں کہ سبزیوں میں سب سے کم وٹامن کون سا ہوتا ہے؟ جی سبزیوں میں سب سے کم وٹامن ہوتا ہے ای. آدم ثانی کن پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام. غلطی ہو گئی میرے بھائی, حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. یہ بتائیں کہ ایمسٹرڈم کس ملک کی بندرگاہ ہے؟ جرمنی. ہالینڈ. یہ غلطی اور ہو گئی اور اب میرے دوست کے پاس رہ گئے 200 پوائنٹس اور 3 سوال ہو گئے. میرے خیال 200 کا پوچھ لیتا ہوں. 200 ٹھیک ہے. ہاں یہ وہ مخصوص انداز تھا جس کو بے حد پسند کیا گیا پاکستان میں اور پاکستان کی انڈسٹری میں. پی ٹی وی نے اس پروگرام کو سب سے پہلے آن ایئر کیا اور جو پہلے کمپیئر تھے پی ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر ایوب خاور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. اور وہ اسی شو کے پروڈیوسر رہے جس کی ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ سے کچھ حصے بھی شیئر کیے ہیں نیلام گھر کے, ان سے بات کریں گے. سر جو افسوسناک خبر اس وقت کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے, پی ٹی وی کے پہلے اناؤنسر کمپیئر طارق عزیز ہم میں نہیں رہے, اس افسوس کی خبر پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے ان کے لیے کیا کہنا ہے, ایسے مومنٹ پہ ہم اچانک ہی, ایکچولی یہ ایک رسم ہمارے ہاں میڈیا پہ ہے کہ جی آپ ان کے بارے میں بولے. پہلے ہم اس بات کو جو جج کر لیں اپنے دل کے اندر, ایک شخص جو ہم پر حکومت کرتا رہا ہے برسوں, ہمارے دلوں پر, سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, آرٹسٹوں کی بات کر رہا ہوں, وہ تو سیاستدان بھی تھے. تو ان کی ڈیتھ جب اس کا پتہ چلے گا آپ کو, تو آپ تو خود اپنی جگہ پر ان کی قبر بن جائیں گے بھائی, آپ کیسے بات کریں گے؟ لیکن بہرحال یہ ایک رسم ہے, تو ڈیفینیٹلی مطلب مجھے کچھ کہنا ہے. میں کیا کہوں, مطلب وہ ایک بہت تہدار قسم کے آرٹسٹ تھے. وہ صرف اینکر نہیں تھے, وہ صرف اناؤنسر نہیں تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے, وہ بہت اچھے پنجابی کے شاعر بھی تھے, اردو لٹریچر ازبر تھا ان کو پیش, اور ان کی شخصیت کو اگر ہم یعنی ان کی پروفیشنل شخصیت کو دیکھیں تو ہمارے لیے یہ سبق کی بات ہے کہ کوئی اینکر, کوئی مشہور آدمی, کوئی ایک شاعر, کوئی ایک ایکٹر صرف اپنی ایکٹنگ کے شوق یا صرف لٹریچر کے شوق میں زندہ جاوید نہیں رہ سکتا, اس کو بہت کچھ پڑھنا اور سیکھنا پڑتا ہے. تو وہ قادر تھے بے شمار مضامین پر, بے شمار ایریاز زندگی کے ہیں, پریکٹیکلی بھی اور پڑھنے لکھنے کے حوالے سے بھی اور لوگوں سے ملنے جلنے کے حوالے سے بھی. دیکھیں انہوں نے نیلام گھر کبھی نہ چھوڑا, جب وہ سیاست میں آئے تب بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, جب وہ فلم میں گئے تب بھی نہیں چھوڑا, اور جب وہ اپنے بڑھاپے کی منزل میں آئے تو تب بھی نہیں چھوڑا. وہ اب تک پروگرام کرتے رہے ہیں نان اسٹاپ, ایک پروگرام یعنی دنیا کا جو ایک وہ ادارہ ہے جو ایج کرتا ہے طویل ترین پروگراموں کا, تو اس کے اندر باقاعدہ ان کا نام, اس پروگرام کا نام موجود ہے. اور اس پروگرام کا نام پی ٹی وی کی وجہ سے تو ہے ہی, لیکن بنیادی طور پر طارق عزیز کی وجہ سے ہے. یہ ان کی مسلسل جو ایک پریکٹیکلی ایک راہ ہے, لنک جہاں بھی رہے وہ پی ٹی وی کو نہیں چھوڑا انہوں نے, اور اب بھی یعنی یہ پروگرام یعنی میرے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جب کراچی کی صورتحال کچھ خراب ہوئی اور وہاں سے کچھ لوگوں نے شفٹ بھی کیا یہاں, تو پاکستان ٹیلی ویژن نے نیلام گھر بھی یہاں شفٹ کیا. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے پھر 4 سال تک مسلسل اس پلان کو کیا اور میں نے ان کا قرب حاصل ہوا مجھے اس سے,
और उनकी प्रोफेशनलिज्म जो है उसका बहुत अच्छी तरह से मुझे अंदाजा, उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, उनकी प्रोफेशनलिज्म का इसी से अंदाजा होता है कि एक तवील तरीन पाकिस्तानी मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तवील तरीन प्रोग्राम उनके नाम से मंसूब है और दुनिया उनको कभी नहीं भूल सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा अयूब खावर साहब की दुनिया उनके काम को कभी नहीं भूल सकती, उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। और आपको ये एहसास हासिल रहा है कि आप उनका प्रोग्राम प्रोड्यूस किया करते थे, कुछ यादें अपनी हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे नासरीन के साथ, कि प्रोग्राम के दौरान में किस तरह से वो काम को लेते थे और जिस किस्म का एक शो वो लेकर आए सवाल और जवाब का, जिसको बहुत पसंद किया गया, इस पर वो कैसे काम किया करते थे, क्या तरीका था उनका टीम वर्क का? असल में जो सवाल है इसमें जवाब भी लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि एक बात जरूर है कि उन्होंने नीलाम घर को एक तरह से कई प्रोग्रामों का मजमू बनाया हुआ था। बिल्कुल, ये एक बड़े कमाल की चीज थी कि उन्होंने दूसरे के साथ मिलकर वो कुछ इस अंदाज से अख्तियार, कुछ यानी मैं आपको एक बहुत राज की बात बताऊं कि हमने एक काम शुरू किया कि वो शादीशुदा जोड़े को बुलाना और एक उनमें से एक कैरेक्टर को बाहर भेज देना और सवाल करना, उसके बाद फिर उसको वापस बुला के बात करना। तो उसमें हमने ये भी यानी ये मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे कहा कि खावर एक बात करते हैं हम ऐसा कि ये जो खातून है ये अच्छा बोलने वाली है, इनको हम कुछ कहते हैं क्योंकि बातें जरूर कीजिए, हम सवाल करेंगे तो जवाब ये दीजिएगा। मीन्स के अपने वो जो गेस्ट हैं, बाज अवकात होते हैं जो बात यानी बहुत कम बात करने वाले लोग होते हैं और बात कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत मशहूर भी होते हैं लेकिन शर्मिले भी होते हैं, लेकिन एंकर अपने तरीके से उनसे किस तरह चीजों को बुलवाता है ये एक बहुत यानी बड़ा एक मसला है कि आप यानी हर बार जब आपके पास जिस तरह का भी एक टैलेंट आ रहा है तो उसको उसी हिसाब से आपने ट्रीट करना है। तो वो यानी एंकर के अंदर या खुद मैं तो सिर्फ तारिक अजीज का नाम लूंगा, तारिक अजीज के अंदर कई शख्सियात थी जिनको वो यूटिलाइज करते थे। वो शायर अदीब भी थे बाकायदा और मजीद अमजद साहब अब जो यहाँ के बहुत मशहूर पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर जो सीजन अब नहीं है उनकी महफिलों में रहने वाले उनकी तरबियत थी, तो वो शायर क्यों ना होते और बहुत अच्छे शायर क्यों ना होते और बहुत अच्छे टॉकर क्यों ना होते, क्योंकि वो डायरेक्ट लिटरेचर की जबान, उन्होंने लिटरेचर पढ़ा हुआ था बाकायदा, वो पढ़ते बहुत थे। जब तक आप पढ़ते नहीं हैं तो आपको आप अपडेट नहीं हो सकते और अगर ऐसा ना हो सकता हो तो फिर बरसों तक आपका प्रोग्राम कैसे चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया अयूब खावर साहब, बेहद शुक्रिया। सीनियर प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविजन के इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने प्रोग्राम नीलाम घर प्रोड्यूस किया है एक लंबे अरसे तक और उनका ये कहना था कि तारिक अजीज की शख्सियत के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है, वो अपने अंदर एक एकेडमी की हैसियत रखते थे, पाकिस्तान के नामवर सदाकार अदाकार अदीब शायर और पीटीवी के बानी अराकीन में उनका शुमार होता था, वो आज हमें नहीं रहे। और जिस तरह से टीम मेंबर के हवाले से अयूब खावर साहब ने बताया कि उनका जो काम था उसको हमेशा याद रखा जाएगा और वो अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि वो अपने नाज़रीन को भी इन्वॉल्व कर लेते थे, उनके प्रोग्राम का अंदाज जो अंदाज़े बयान जो था उसको बहुत पसंद किया जाता था। और नाज़रीन जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया तो तारिक अजीज पीटीवी के सबसे पहले अनाउंसर थे, क्या अनाउंस की गई थी सबसे पहली बार, हम आपसे एक बार फिर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर के नुहदरात आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान
ناصرین آپ نے یہ ملاحظہ کیا, یہ وہ اناؤنسمنٹ تھی جو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے آغاز میں 1964 میں کی گئی تھی. پہلی اناؤنسمنٹ لاہور اسٹیشن سے, اور اس کو اناؤنس کیا تھا طارق عزیز صاحب نے. اور جو خاص انداز جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کی کچھ دیر پہلے ان کے پروگرام کے پروڈیوسر ایوب خابر صاحب بھی بات کر رہے تھے, کہ جو ایک ٹھہراؤ اور جو بات کا ایک انداز, اپنی بات کو بیان کرنے کا انداز, اور ناظرین اور سامعین کے دلوں میں گھر کر لینے کا جو انداز تھا, اس کی تعریف کرنا جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور تادیر ان کی ان تمام کوالٹیز کو, فن خدمات کو یاد رکھا جائے گا, اور ان خدمات پر انہیں بہت سارے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے. 1952 میں انہیں حسن کارکردگی کے تمغے سے نوازا گیا, کیونکہ انہوں نے صرف کمپیئرنگ ہوسٹنگ میں ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انہوں نے فیلڈز میں نام کمایا ہے. اور جہاں بھی انہوں نے قدم رکھا وہ اپنے پیچھے کچھ بہت خوشگوار انمٹ نقوش چھوڑ گئے ہیں. ریڈیو کی اگر بات کی جائے تو ریڈیو میں بھی ان کی آواز کو سننے کے لیے لوگ بیتاب ہوتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں کام کیا جسے بے حد پسند کیا گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے فلموں میں بھی انہوں نے اداکاری کی, اور ان کی جو سب سے پہلی فلم آئی تھی جس کا نام انسانیت تھا وہ 1967 میں تھی. اور اس کے علاوہ ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ, قسم اس وقت کی, اور قسم اس وقت کی ماسٹر کے ساتھ, معاف کیجیے گا, کٹاری ایک اور فلم تھی ان کی مشہور, چراغ کہاں کے نام سے بھی ایک فلم طارق عزیز صاحب نے کی تھی جسے بہت پسند کیا گیا. اس کے بعد روشنی کہاں اور ہار گیا انسان, یہ وہ فلمیں ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں. اور اس وقت ناصر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے سینئر پروڈیوسر فاروق بشیر صاحب نے, اور ان سے بات کریں گے اس افسوسناک خبر پر. فاروق بشیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, انتہائی افسوسناک خبر جو ہم اپنے ناصر کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. طارق عزیز جو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے سب سے پہلے کمپیئر, وہ ہم میں نہیں رہے, کیا کہیں گے آپ؟ طارق عزیز صاحب جو یہ کہنے کو تو بڑا دل نہیں چاہتا, کیونکہ ہم سے جب سے ان کو سیکھتے آئے ہیں لگتا ہے یہ ہمیشہ سے ہی ہمارے ساتھ ہے, ہمیشہ ہی رہیں گے. یہ ٹی وی کی پہچان تھے, ای ٹی وی کی پہچان تھے, اور انہوں نے ٹی وی کے لیے اتنا کام کیا اور اتنی میں کہتا ہوں عزت دلوائی ٹی وی کو کہ جتنے بھی چینلز ہیں ساؤتھ ایشیا کے, ایشیا کے, اس میں ان کی ایک منفرد پہچان تھی اپنی, اور ان کے جو طویل مدت جو پروگرامز چلتے رہے اس کے حوالے سے میرے خیال ان کا ریکارڈ تھا جو گنیز بک آف ریکارڈ میں بھی آنے والا تھا. بیچ میں کسی وجہ سے کچھ بریک آ گیا تھا پروگرام میں, اس وجہ سے وہ نہیں آ سکا, لیکن یہ جتنے ان کے پروگرامز تھے کنٹینیوس ویکلی پروگرام شوز, اور جتنی یہ محنت کرتے تھے اس کے لیے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی کر سکتا ہے. پھر ان کو جو ملکہ حاصل تھا وہ ان کی آواز کا, ان کی اداکاری کا, شعر کی ادائیگی کا, لفظوں کی ادائیگی کا, پھر اردو کی نالج ان کی بہت اچھی تھی, پنجابی بہت اچھی جانتے تھے, صوفیانہ کلام بڑا اچھا پڑھتے تھے, اور پر محل اور بموقع ایسا وہ ان کو آمد ہوتی تھی کہ جو بہت کم لوگوں کو یہ میرا خیال ہے گفٹ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے کہ جو ان کو تھی. اور پی ٹی وی کے لیے تو یہ ایک بہت ہی نایاب شخص تھے, بہت ہی نایاب تحفہ تھے پی ٹی وی کے لیے. بالکل, اور انہوں نے بھی اس کو پی ٹی وی کو اپنا ہی سمجھ کے, یا جب بھی ان کو بلایا, جب بھی میں نے ان کے ساتھ بہت ٹریول کیا ہے, باہر بھی پروگرامز کیے ان کے ساتھ, یورپ میں بھی اور ساؤتھ ایشیا کے مختلف ممالک میں بھی, لیکن ایسا اچھا ہم سفر میں نے نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں نا کہ سفر میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا, ان کے ساتھ سفر کرنا میں بشیر صاحب یہی سوال میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے والی تھی, کہ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو جانچنا ہو, پرکھنا ہو, تو اس کے ساتھ یا کھانا کھائیے یا اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریے یا سفر کیجیے, اور آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ آپ کا بہت ساتھ رہا ہے ان کے ساتھ, بہت آپ کو وقت گزارنے کا موقع ملا. بحیثیت ایک اینکر, ایکٹر اور پولیٹیکل ورکر کے طور پر تو ہم نے ان کی شخصیت کا ذکر کیا, بحیثیت دوست وہ آپ نے کیسا پایا؟ میں وہی عرض کرنے والا تھا کہ بحیثیت سیاست دان اور بحیثیت یہ سب چیزیں وہ شیئر تو کرتے تھے میرے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ ٹھہرتے تھے جا کے اکٹھے ہی رہتے تھے, سارا دن ہم ساتھ رہتے تھے, تو بہت بات شیئر تو کرتے تھے کہ سیاست کی بھی اور دوسری معاملات بھی,
लेकिन जो इंसानियत थी उनमें मेरा ख्याल है कि वो इतना ख्याल रखते थे मेरा जब मैं बाहर उनके पास जाता था कि एक एक चीज का कि मैंने खाना खाया है टाइम पे या नहीं, या मैं आराम किया है या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि जैसे कोई अपना बड़ा भाई ख्याल रखता है ना, उस तरह वो ख्याल रखते थे। तो मैं तो उनको कभी भी भूल नहीं सकता और मेरे उनके बड़े एहसानात हैं मुझसे, इस तरह से कि वो अपने बड़ा प्यार से अपने साथ लेके जाया करते थे और हमेशा बड़ा अच्छा तारुफ लोगों से करवाते थे। तो मैं तो बहुत ही उनको मिस करूंगा और वो मतलब अब जितनी जिंदगी बाकी अपनी भी रह गई है उसमें जाहिर है वो अब ये चीजें भूलने वाली तो नहीं है कि अब मैं कोई बहुत यंग हूं तो ये बातें भूल जाऊंगा। मैं तो खुद उम्र के इस हिस्से में हूं कि अब जो पुरानी बातें हैं, जो हालिया या बातें हैं, वो याद ही रहने वाली हैं और उनकी याद हमेशा दिल ऐसी बिल्कुल उनकी याद और उन्होंने जो काम किया है उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता। और सब शायरी भी किया करते थे तारिक असीर साहब, शायरी भी किया करते थे। कुछ अगर आप उनकी आजाद नज़्मों से कुछ इक्तिबास हमारे नाज़िम के साथ शेयर करना चाहें तो। मेरे पास इत्तेफाक से इस वक्त वो किताब उनकी है नहीं और सदमा थोड़ा सा इस किस्म का है कि उस वक्त आ नहीं रहा, लेकिन मैं जरूर आपके साथ वो शेयर कर दूंगा किसी वक्त। वो बड़े ही बामानी शेर कहते थे और ऐसे बहुत कम शायरी करते थे, बहुत छोटे कतार की शक्ल में करते थे, लेकिन वो बड़ी मानी खेज और पुर असर शायरी होती थी। बिल्कुल बचा फरमाया आपने फरूख बशीर साहब। अगर हम उनके कंपेयरिंग स्टाइल की बात कर ली जाए, जिस तरह से आपने भी कहा कि वो उनका जो प्रोग्राम था नीलाम घर वो बहुत पसंद किया जाता था, एक बहुत ही मुनफरिद सा आइडिया और अंदाज लेकर वो सामने आए थे, क्या उनसे हम सीख सकते हैं जो हम यंग जनरेशन या जो नया टैलेंट आ रहा है वो हम तमाम लोगों के लिए एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं, हम क्या सीख सकते हैं उनके काम से? देखिए जो सीखने वाली चीजें हैं ना उनसे वो तो है उनकी हाजिर दिमागी और उनका इल्म। जितनी पढ़ाई वो करते थे अपने तौर पे उर्दू अदब की, पंजाबी अदब की या शायरी की, है जितना मिलना जुलना उनका था लोगों से, इतना अच्छा वो मिलते जुलते थे और इतना उनका लोगों के बारे में इतना जानते थे। और मैं तो उनको देखता था कि जब उन्होंने किसी आदमी को इंटरव्यू करना होता था वो, या किसी शख्सियत को वो जब बुलाते थे स्टेज पे, तो वो चाहे कैसी ही शख्सियत हो, वो बहुत अहम हो या थोड़ी सी कम अहम हो या हो, तो आप समझते हैं टीवी के हर उसके हर तरह के आर्टिस्ट और शख्सियात आती है उसमें, लेकिन वो जिसको बुलाते थे उसको इतनी इज्जत दे के और इतनी अहमियत दे के बुलाते थे कि वो जैसे ये शख्स है हर पे आखिर है अपने काम में। बिल्कुल। तो वो आने वाला इतना उसमें इतना इज्जत अपनी महसूस करता था, इतना उसका दिल बड़ा होता था कि वो आके बड़ी अच्छी तरह से अपना खुल के बयान करते थे और अपना ऐसे बहुत अच्छा इंटरव्यू करा करते थे। मेरा ख्याल है उनका इंटरव्यू जो करने का जो स्टाइल है, जो सवालात है, वो कॉम्प्लेक्स को जरूर समझने चाहिए कि वो बड़ी सख्त से सख्त बात भी इतने खूबसूरत अंदाज से पूछ लिया करते थे। बिल्कुल। कि वो सुनने वाले को लुत्फ आता था जवाब देने में। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरती से उनकी शख्सियत का इहाता किया है, बेहद शुक्रिया। फरूख बशीर साहब सीनियर प्रोड्यूसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कुछ यादें हमसे वो शेयर कर रहे थे। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हफीज ताहिर साहब ने, जो कि प्रोड्यूसर रहे हैं नीलाम घर प्रोग्राम के। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने तारिक असीर साहब को किस तरह से पाया और खासतौर पर आज जब हम अफसोस के साथ अपने नाज़िम के साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं कि तारिक असीर आज हम में नहीं रहे हैं। हफीज साहिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हफीज साहिर साहब से हम एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हफीज साहिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लीजिए। हफीज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम बात कर रहे हैं तारिक असीर साहब के हवाले से, जिस तरह से अफसोसनाक खबर सामने आई है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, वो एक अमा सिफत मशहूर शख्स थे। मैं कि दो चार मिनट बात कर सकता हूँ, मेरा बहुत लंबा अरसा उनके साथ। पहले तो ये वो एक बहुत अमा सिफत मशहूर शख्स थे। वो एक गरीब घर में पैदा हुए और बस में समझिए कि फ्रॉम फुटपाथ टू पार्लियामेंट, उनकी जिंदगी को अगर हम समाप्त करें, एक गरीब घर में पैदा होने के बाद अपनी मेहनत से, अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी की कशिश से और अपने मताले से
हालांकि उनका वो इस तरह का कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, मगर उनसे मुझे वो हमेशा ही ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत मालूम आदमी है, और खासतौर पर उनका शायरी का जवाब और उनका शेरों का खजाना जो उनके सीने में दफन था, वो शायद किसी ही एंकर पर्सन के पास हो सकता है। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा काम किया और पिछले कुछ दिनों से, दो तीन माह से, बल्कि कुछ 6 माह पहले से मैं उनके पास जा रहा था अपने बेटे के साथ। मेरा बेटा हमजा भी डायरेक्टर है, तो हमने उनसे उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, सर प्लीज एक डॉक्यूमेंट्री बनवा दें। वो कहते थे नहीं यार छोड़ो, मैंने जो कहना था कह दिया, मैंने जो सुनना था सुन दिया, अब मजीद क्या। लेकिन काश वो हमारी बात मान लेते और उनकी कुछ चीजें महफूज हो जाती आने वाले जमानों के लिए। ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो फिर एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत आला पाए के शायर थे, और उनकी एक किताब है हम साथ का दुख, तो एक पढ़ने लायक है। तो समझे कि मनीर न्याजी का प्रसाद और उनको ऐसा ऐसा शेर याद था, मसलन उनका एक शेर जो वो हर प्रोग्राम में पढ़ते थे अहमद फराज का, कि मैं उसका नाम ना लूं और लोग पहचाने, वो मैं उसका नाम ना लूं और लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ अब आप हार। तो इसी तरह तारिक साहब खुदी एक ऐसी शख्सियत थे जो इसी तरह की शख्सियत थे। मैं उनके साथ न सिर्फ ये कि लाहौर में उनके साथ काम किया, बल्कि वो मुझे अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए यूके भी ले गए, लंदन भी ले गए, वहाँ भी उनके काफी प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किए। और एक ऐसा सिलसिला उनके साथ, मैं इंशाल्लाह ताला जब अपनी बायोग्राफी लिख रहा हूँ तो उनका जिक्र करूंगा, तो वो सारी तस्वीरें भी उसमें शामिल। मैं उस गम को बयान नहीं कर सकता। वो मेरे साथ उनका रवैया एंकर पर्सन वाला नहीं था, उम्मीद बानों वाला नहीं था, वही पर फ्रेंड। जब मेरी उनकी बहुत अलग किस्म की यादें हैं, मैं उन्हीं के प्रोग्राम में एक एंकर पर्सन को रखा आशा खान को, और ऐसे ऐसे ताल्लुकात बने कि मेरी के आशा खान से शादी जो थी, और फिर वो मेरी शादी में तशरीफ लाए और बड़ी खुशी के साथ उन्होंने शिरकत की। तो इस तरह वो अपने प्रोड्यूसर के गम और दुख में खुशियों में भी शरीक होते थे, और अपने अपने पूरे जज्बे के इजहार के साथ शरीक होते थे। मैं अभी रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई थी, मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे कि जिस तरह मैं उनकी समारंग शख्सियत को बयान कर सकता हूँ। वो इतने गुफ्तगु के ऐसे माहिर थे कि जो उनके सामने बैठ जाता तो वो उनकी गुफ्तगू के सहर में गुम हो जाता, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। उनकी दोस्तियां लाजवाल थीं, ये जो मुझे इंग्लैंड लेके गए थे, ये नीलाम करके या तारक भी शो से बहुत बात की पाई। उन्होंने मेरी दोस्ती को और मेरी मोहब्बत को बुलाया नहीं। तारक भी साहब, हम भी आपको नहीं भूलेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी शायरी मैं खुद रिसाइट करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि आप कितने बड़े शायर थे, बड़े एंकर और बड़े इंसान थे। बहुत खूब कहा आपने हफीज साहिर साहब, सीनियर प्रोड्यूसर नैलाम घर हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि तारिक अजीज को कभी नहीं भूला जा सकता, वो एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। और नासिन, पीटीवी की मेजबानी के शोबे की अगर बात की जाए तो पीटीवी की मेजबानी के शोबे में तारिक अजीज की मेजबानी की वो खास झलक जिसे बहुत पसंद किया जाता था वो आज भी मौजूद है, और इसी अफसोसनाक खबर के बाद खिराज अकीदत के पैगाम भी आना शुरू हो गया। चेयरमैन सेनेट की जानिब से मरहूम की फनी और समाजी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया है, और सादिक सिंजरानी की जानिब से कहा गया है कि प्रोग्राम्स की मेजबानी के साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान भी थे, मरहूम एक असीम फनकार के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे, उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की जानिब से इस अफसोसनाक खबर पर पैगाम में कहा गया है कि मारूफ मेजबान तारिक अजीज के इंतकाल पर बहुत अफसोस और दुख है, और तारिक अजीज जो कि पीटीवी की पहचान बने और नैलाम घर उनकी पहचान बना, नैलाम घर प्रोग्राम ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और नासिन तारिक अजीज आज हमें नहीं रहे, लेकिन उनकी खिदमात, उनका काम, उनका फन, उनकी शख्सियत, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। पीटीवी और तारिक अजीज एक साथ रहेंगे।